नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है अपना बिहार का। मोदी असरदार हैं। जी हां, ये क्यों कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने जीत का हैट्रिक बना लिया। बीजेपी विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी को 48 सीट मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया है। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। 8 अक्टूबर 2024 की तारीख देश की राजनीति में ऐतिहासिक तारीख के तौर पर दर्ज हो गई। बीजेपी ने हरियाणा में वो करके दिखा दिया जो आज तक नहीं हुआ था। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक बना ली। इस बंपर जीत के साथ बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। अक्टूबर 2024 पूरे देश की निगाह दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर था। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई। शुरुआती रुझानों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगह पर कांग्रेस और उसके सहयोगी लीड करते हुए दिखे। दो रीजन और दोनों जगहों पर आमने सामने की टक्कर हो जाती है, तो कांग्रेस का जो सहारा है वो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से और उसी के पीछे पीछे आगे बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर एक चौंकाने वाला जो रुझान है वो सामने आया है, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो 56 सीट पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस हरियाणा में वापसी करने जा रही है और बीजेपी सत्ता से आउट होने जा रही है। नौ बजते बजते कांग्रेस रुझानों में 60 के ऊपर पहुंच चुकी थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न के मूड में आ गए थे। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाने लगे। लेकिन कांग्रेस की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे जैसे ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हुई, जहां कांग्रेस दिख रही थी वहां बीजेपी का आंकड़ा पहुंचने लगा, और जहां सुबह में बीजेपी थी वहां कांग्रेस पहुंच गई। दोपहर होते होते पूरी तस्वीर ही बदल गई और ये साफ हो गया कि बीजेपी हरियाणा में बंपर जीत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद आलोचक चीख चीख कर ये बताने में लगे थे कि मोदी का जादू उतरने लगा है, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने ये बता दिया कि मोदी अब भी असरदार है, बहुत ज्यादा असरदार। मोदी असरदार कैसे हैं? अब ये समझिए। पिछले 10 साल से बीजेपी हरियाणा में सरकार में है। यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा था। यही नहीं, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की भरपूर कोशिश हुई। लेकिन चुनाव से कुछ महीनों पहले बीजेपी ने सीएम फेस बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया और बीजेपी ने सीएम के चेहरे की बजाय मोदी के काम पर वोट मांगना शुरू किया। पीएम मोदी ने हरियाणा में 4 रैली कर करीब 40 सीटों को कवर किया। जिन सीटों पर मोदी ने रैली की उनमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित हरियाणा बीजेपी का हर नेता ये जोर देकर बता रहा है कि हरियाणा की जीत मोदी की वजह से है। अपने खुले मिजाज के लिए मशहूर हरियाणा की जनता ने इतिहास रच दिया है। किसी भी दल को तीसरा मौका ना देने वाले हरियाणा ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता की चाबी सौंप दी है।
एग्जिट पोल और शुरुआती रुझानों में आगे रही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक मारी है और अब हम आपको एक एक करके बड़ी बातें समझाते हैं। वो कौन से फैक्टर रहे जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हरियाणा में मिली है। अगर हम फैक्टर नंबर वन की बात करें तो सबसे पहले पीएम मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया। फैक्टर नंबर टू, जाट वर्सेस गैर जाट वोटिंग हुई। फैक्टर नंबर तीन, दलित वोट बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट हो गया, मतलब दलित वोट बीजेपी को मिला। फैक्टर नंबर चार की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की गारंटी हरियाणा में बेअसर दिखती हुई नजर आई। फैक्टर नंबर पांच की अगर बात की जाए तो यहां देखिए आपसी कलह से कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फैक्टर नंबर छह के मुताबिक कांग्रेस को अति आत्मविश्वास भारी पड़ा, क्योंकि इस बार के चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। फैक्टर नंबर सात की बात करें तो क्षेत्रीय दलों पर जनता का भरोसा कम दिखा। फैक्टर नंबर आठ, सीएम फेस चेंज कर एंटी इनकम्बेंसी खत्म किया गया, जो कि फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया था। फैक्टर नंबर नौ, बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है। इस बार के चुनाव में नए युवा चेहरों को बीजेपी ने उतारा था, जो कारगर साबित हुआ। फैक्टर नंबर 10, बीजेपी की साइलेंट रणनीति काम कर गई, यानी कि जिन रणनीति के तहत बीजेपी जनता के बीच में गई थी उस रणनीति का फायदा मिला है। अब देखिए हरियाणा में बीजेपी ने बंपर जीत दर्ज की है और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचने जा रही है। हरियाणा के नतीजों का क्या बिहार पर भी कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अगले ही साल यानी कि 2025 में बिहार विधानसभा का भी चुनाव है। खुले मिजाज के लिए मशहूर हरियाणा की जनता ने इतिहास रच दिया है। किसी भी दल को तीसरा मौका ना देने वाले हरियाणा ने भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता की चाबी सौंप दी है। सवाल है कि हरियाणा के नतीजों का बिहार पर क्या असर पड़ेगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल है। चुनाव में भले ही एक साल से ज्यादा का समय हो, बिहार के नेता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। इसी बीच हरियाणा की जीत ने बिहार बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक बिखेर दी है। नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, बीजेपी वोट मांगती है मोहब्बत के नाम पर। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने हरियाणा के नतीजों को एनडीए के लिए उत्साह बढ़ाने वाला बताया है। संजय झा ने आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी एनडीए की जीत की भविष्यवाणी के साथ अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया है। जो हम लोग घूम रहे हैं लोगों के बीच में, या मुख्यमंत्री जी अभी घूम रहे हैं, तो बिहार में कोई समस्या नहीं है, बिहार में कोई लड़ाई नहीं। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हरियाणा के नतीजों से आश्चर्यचकित हैं। एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आया है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिनको चुनती है। लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए का बिहार में प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन एनडीए 2019 का रिजल्ट नहीं दोहरा पाया। 2019 में जहां एनडीए 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं 2024 यानी इस साल एनडीए को महज 30 सीट से संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष का मनोबल पहले से ज्यादा बढ़ गया था और विपक्ष के नेता 2025 में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन हरियाणा के नतीजे मायूस करने लगे हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद एनडीए के अंदर भी बीजेपी की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी और सहयोगी ज्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के बाद एनडीए में जश्न का माहौल बना हुआ है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी को सबक सिखाने का काम किया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस नतीजे का दूरगामी परिणाम होगा। तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दावा किया कि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा और एनडीए को शानदार जीत मिलेगी। राहुल गांधी को बीजेपी ने ऐसा पटकनिया दिया है कि उनको होश नहीं आएगा राजनीतिक दृष्टि से। अब विदेशों में जाके क्या चेहरा दिखाएंगे टुकड़े टुकड़े गैंग के सामने। वहां भी जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पटकनिया दी है और एक अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हैट्रिक। ये जीत जनता की भावना का प्रकटीकरण है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नियत नीति और उनके कठोर परिश्रम का परिणाम है। सब जगह बेहतर एनडीए का अच्छा प्रदर्शन होगा और झारखंड में भी देखते रहिएगा तो बहुत अच्छा हम लोग करेंगे। और बिहार में क्या होने जाएगा? बिहार में आप देखिए ना, एक साल बाद बिहार का चुनाव है। बिहार जो पिछले बार हम लोग जो 2000 उसके पहले जो 2010 का जो परिणाम था उससे बेहतर करेंगे। 2010 में हमारे एनडीए के 243 में 206 आया था और इस बार जो है हमें लगता है कि 220 से ऊपर 225 से ऊपर रहेगा। इस जो मेरा लक्ष्य है जो इस बार का विधानसभा चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव का 225 हम लोग का लक्ष्य है। तो हरियाणा में बीजेपी की जीत पर चिराग पासवान ने भी कहा कि कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल बनाया जा रहा था, कांग्रेस को करारा जवाब मिला। गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के हारने के सपना देखते हैं, इन परिणामों ने बता दिया। मुझे लगता है तमाम राज्यों में हाल फिलहाल के दिनों में जहां पे चुनाव होने और आने वाले दिनों में जहां पर चुनाव होने हैं, भले वो हरियाणा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, इन तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा मुश्किल हरियाणा को माना जा रहा था और एक तरफा परिणाम घोषित किए जा रहे थे कांग्रेस के पक्ष में। जो लोग थोड़ी सी लड़खड़ाहट जो हम लोग को लोकसभा में देखने को मिली उससे अतो उत्साहित हो रहे थे, उनके लिए ये कड़ा जवाब है। हरियाणा में बीजेपी की जीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह का भी अहम रोल बताया जा रहा है। अब आपको नायब सिंह सैनी का बिहार कनेक्शन भी बताते हैं। दरअसल नायब सिंह सैनी का बिहार के मुजफ्फरपुर से जुड़ाव रहा है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली है। साल 1996 में उन्होंने यहां से स्नातक की डिग्री हासिल की थी और आपको बता दें कि इन्हें हरियाणा में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया और एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ इनके जरिए निकाला गया था और कई सारी रणनीति के तहत बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में गई, जिसका फायदा इस बार के चुनाव में बीजेपी को मिला है। तो हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि हरियाणा का हृदय से आभार, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत देने के लिए मैं हरियाणा की जनशक्ति को नमन करता हूं। ये विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वही हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने पर सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि बीजेपी को बधाई एवं शुभकामनाएं, हरियाणा की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। तो अब बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने भी हरियाणा चुनाव की जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ एक बार फिर से औचक निरीक्षण में गए
और इस बार वो गया जिला पहुंचे थे। एस सिद्धार्थ ने नक्सल प्रभावित 12 चट्टी इलाके के स्कूलों में घंटों निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मिडिल स्कूल कठौतिया में बच्चों के साथ पंक्ति में बैठकर मिड डे मील भी खाया और क्लास में जाकर बच्चों का टेस्ट भी लिया। बिना किसी तामझाम और बिना दल बल के साथ निरीक्षण में पहुंचे एसीएस को देख शिक्षकों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा रहा। एसीएस ने बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति भी चेक की। और देखिए, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को लेकर फ्लाइट की टिकट का दाम आसमान छूने लगा है। एक तरफ जहां ट्रेनों में लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रही है, वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट के टिकट 4 से 5 गुना ज्यादा महंगी हो गई है। मुंबई से पटना तक की फ्लाइट की टिकट जो अमूमन 8 से 9 हजार हुआ करती थी, फिलहाल 17 हजार हो गई है। वहीं दिल्ली से पटना तक की दीपावली और छठ के एक दिन पहले की टिकट 24 हजार रुपए तक पहुंच गया है। दिल्ली से दरभंगा तक के टिकट के लिए 15 हजार तक देना पड़ रहा है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। पूजा, दीपावली और छठ नजदीक आते ही जो फ्लाइट्स का जो किराया है वो आसमान छूने लगा है। एक तरफ जहां रेलवे में नो रूम हो गया है, जहां पे रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं लोगों को मिल रहा है, वहीं पे फ्लाइट की जो टिकटें हैं वो आसमान छूने लगी है। आपको बता दें कि जो अमूमन जिस ढंग से आप अगर देखेंगे कि जो दीपावली 31 तारीख को है और उसके ठीक नज़दीक की अगर तारीख में अगर आप जाएंगे तो जो फ्लाइट्स की टिकटें हैं जो अमूमन 9000 रुपया 7000 रुपया तक होता है, वो अभी कम से कम 16 से 17 हजार रुपये तक पहुँच गया है। और अगर मुंबई से अगर पटना की अगर फ़्लाइट्स की बात करें तो फ़िलहाल ये किराया जो है वो लगभग 17 हजार तक पहुँच गया है। और उसी के साथ साथ अगर मुंबई से जेट एयरवेज की अगर बात अगर करेंगे, दिल्ली मार्ग से दिल्ली पटना का अगर बात करेंगे, तो ये टिकटें जो हैं वो लगभग 25 हजार रुपया जो है वो पार कर गया है। सिर्फ वही नहीं बल्कि कई ऐसे जो फ्लाइट्स हैं उसकी टिकटें 3 से 4 गुना बढ़ी हैं। अगर दरभंगा की बात करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में जो यात्री वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ भी जो टिकटें हैं वो लगभग 15 हजार रुपया जो है वो पहुंच गया है। लेकिन साथ साथ अगर आप देखेंगे कि दिल्ली से या मुंबई से आने वाली जो तमाम ट्रेनें हैं, किसी भी ट्रेन में लोगों को दीपावली में, छठ में या फिर दुर्गा पूजा के समय में कोई यहां पे मिल नहीं रहा है। जो इनको अगर दीपावली और छठ में जाना है उनसे कम से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा जो है वो किराया देना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना, हाजीपुर।